हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजेंट साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, इस कोर्स टाइटल जो कि बीएससी एजी 6 सेमेस्टर के अंतर्गत आप लोग पढ़ते हैं, से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर टाइप के कंसेप्चुअल या थियोरेटिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथियों, इसमें सबसे पहले हम फील्ड क्रॉप्स के बारे में, फिर उसके बाद हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स से संबंधित कुछ जो इंपॉर्टेंट जो डिजीज़ हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में आ सकती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम फील्ड क्रॉप्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिजीज हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीट से संबंधित, यानी गेहूँ की फसल में जो लगने वाले जो प्रमुख रोग होते हैं उनकी बात करेंगे। तो गेहूँ की फसल में जो लगने वाला जो रोग है, उसमें पहला जो डिजीज़ है वो है आपका रस्ट, या जिसे आप किट कहते हैं। तो गेहूं में जो तीन प्रकार के किट लगते हैं, जैसे आपको पता है ब्राउन होते हैं और आपका ब्लैक होता है और येलो रस्ट, तीन प्रकार के रस्ट जो है गेहूं की फसल को प्रभावित करते हैं। इसमें पहला जो टाइप है रस्ट का वो है आपका ब्राउन या लीफ रस्ट, इसे ब्राउन या लीफ रस्ट भी कहते हैं। तो साथियों, इस प्रकार के आप क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा कि ब्राउन रस्ट को हम किस अन्य नाम से जानते हैं, तो उसे हम लीफ रस्ट के नाम से जानते हैं। और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसे हम बोलते हैं पक्सिनिया रिकॉन्डिटा ट्रिटिसी। कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है इसका, जो इसका रोग वाहक है, सॉरी रोगजनक है, रोगजनक को हम बोलेंगे पक्सिनिया रिकॉन्डिटा ट्रिटिसी। और ये मोस्ट डैमेजिंग रस्ट डिजीज़ है आपका, हमारे देश की जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित करती है, बहुत ही ज़्यादा घातक बीमारी है ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में जो है आप देखेंगे कि अब इसे ब्राउन रस्ट कहते हैं या लीफ रस्ट कहते हैं, तो अधिकांशतः जो है ये लीफ को ही प्रभावित करेगा। तो ब्राउन ऑरेंज या यूरिडिनियल पॉस्टुलस स्कैटर्ड मेनली ऑन लीफ, सो कॉल्ड लीफ रस्ट। अब यूरिडिनियल क्या है, यूरिडिनियल जो है जो फंगस होता है उसकी जो है स्पोर्स होते हैं उसको हम यूरिडिनियल बोलते हैं। पॉस्टुलस क्या है, पॉस्टुलस जो है आपका जो इंसुलेशंस पाए जाते हैं या कह सकते हैं जो ग्रुपिंग होती है उसे पॉस्टुलस कहा जाता है। फंगस की जो ग्रुपिंग होती है, फंगस जो कॉम्पैक्ट फॉर्म में पाए जाते हैं उसे पॉस्टुलस कहा जाता है। तो ब्राउन ऑरेंज कलर की यूरिडिनियल पॉस्टुलस देखने को मिल सकता है और ये स्कैटर्ड होता है मुख्य रूप से जो है पत्तियों पर पाया जाता है, इसलिए इसे हम लीफ रस्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है रस्ट है वो है आपका येलो या स्ट्रिप रस्ट। येलो या स्ट्रिप रस्ट का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस है। पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। जो येलो रस्ट है वो आपका मेजर डिजीज़ है नॉर्थ और वेस्ट जो है आपका जो रीजन है, जो उत्तर पश्चिमी भाग है भारत का जो है, वहाँ पर जो है ये एक प्रमुख जो है रोग के रूप में जो है जाना जाता है, अर्थात वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। लेकिन ये टेम्परेट जो एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है ये रिस्ट्रिक्टेड होता है, जो टेम्परेट एरियाज़ होते हैं, जो शीत क्षेत्र होते हैं, शीत क्षेत्रों में इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इसकी सिम्टम्स की बात करें येलो स्ट्रिप रस्ट की, येलो या स्ट्रिप रस्ट जो है आपका, इसके सिम्टम्स की बात करें, इसके लक्षण की बात करें, तो ये जो है आपका जो है जो क्रॉप्स होती है उसकी अर्ली स्टेज में देखने को मिलता है। और लेमन येलो पॉस्टुलस देखने को मिलते हैं। इसका जो पॉस्टुलस होता है, पॉस्टुलस हमने बता दिया, पॉस्टुलस क्या है, पॉस्टुलस जो है आपका जो कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है, जो ग्रुप फॉर्म में जो फंगस पाए जाते हैं उसे पॉस्टुलस कहा जाता है। तो इसका जो पॉस्टुलस होता है, अब चूंकि हम उस इंडिविजुअली फंगस को नहीं देख पाएंगे, फंगस जो पॉस्टुलस फॉर्म में होता है, जो ग्रुप फॉर्म में होता है, यहाँ पर जो है इकट्ठे जो है फंगस होते हैं उसी को हम देख पाएंगे, उसी को पॉस्टुलस कहा जाता है। इनके जो पॉस्टुलस होते हैं येलो कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं इसलिए इसको येलो रस्ट नाम दिया गया है। उसमें ब्राउन कलर के होते थे इसलिए ब्राउन रस्ट कहा जाता था। वो लीव्स पर अटैक करता था, ये जो है ये लीव पर भी अटैक करता है और थोड़ी बहुत मात्रा जो है इसकी जो है स्टेम पर भी देखने मिलती है, लेकिन स्पेशली ये भी लीव से ही रिलेटेड है। तो लेमन येलो पॉस्टुलस देखने को मिलते हैं और रोज में देखने को मिलते हैं, पंक्तियों में होते हैं लीव्स पर या लीव की सीथ पर। अब लीव सीथ क्या है, या ग्लूम्स पर जो है, ग्लूम्स पर भी देखने को मिलते हैं। और ये जो है आपका जो है इनका जो कलर येलो होता है इसलिए इसको हम येलो रस्ट के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट अगला है आपका ब्लैक रस्ट, या इसे हम स्टेम रस्ट कहते हैं। ये स्पेशली जो आपका स्टेम को जो है कह सकते हैं टारगेट करता है। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है वो पक्सिनिया ग्रैमिनस ट्रिटिसी है, पक्सिनिया ग्रैमिनस ट्रिटिसी। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है पक्सिनिया ग्रैमिनस ट्रिटिसी है, इसे हम किलर डिजीज़ के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट को हम किलर डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो आपका जो ब्लैक रस्ट है ये पूरे पौधे को, चूँकि स्टेम को टारगेट करता है, अब स्टेम को टारगेट करेगा, अगर स्टेम को जो है डैमेज कर देगा तो सीरीज बात है कि पूरा पौधा हमारा नष्ट हो जाएगा, इसलिए किलर डिजीज़ के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि ये पूरे के पूरे पौधे को मार देता है। सेवियर इन सदर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के जो है दक्षिणी और कह सकते हैं मध्य भाग या फिर पूर्वी भागों में जो है ये बहुत ही कह सकते हैं कि घातक रूप में जो है पाया जाता है।
सिम्टम्स की बात करें, जो ब्लैक या स्टेम रस्ट है पक्षी या ग्रेमिनिस्टिटिसी जो है, इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स में हम जान सकते हैं कि जो ये स्टेम को जो है बहुत ही ज़्यादा जो है प्रभावित करता है, इसलिए इसका नाम स्टेम रस्ट रखा गया है। और इलांगेटेड ब्राउन पास्टुलस इसके देखने को मिलते हैं। इलांगेटेड ये मतलब लंबे, ब्राउन पास्टुलस इसके जो पास्टुलस होते हैं वो भी ब्राउन कलर के ही होते हैं। पास्टुलस मतलब यानी जो ग्रुप ऑफ फंगस होता है, ठीक है, जो कह सकते हैं पैकेट ऑफ फंगस कह सकते हैं। और ये जो है आपका स्टेम के ऊपर या लीफ सीथ के ऊपर या फिर आपका पत्तियों के ऊपर देखने को मिलता है। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में हम तीनों प्रकार की रस्ट की हम मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे अवॉइड लेट सोइंग, गेहूँ की जो देर से बुआई की जाती है इसको हम रोकेंगे, मतलब देर से बुआई नहीं करेंगे। यूज ऑफ रेजिस्टेंट वराइटीज़, जो प्रतिरोधी जो वराइटीज़ हैं, जो रेजिस्टेंट वराइटीज़ हैं, इसको हम जो है इस्तेमाल करेंगे। यूज हाई डोज ऑफ पोटास फर्टिलाइजर, पोटास फर्टिलाइजर की हम थोड़ा सा मात्रा को बढ़ा देंगे। और आफ्टर अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, अगर किसी प्रकार का कोई रस्ट दिखाई देता है तो हम मैंकोजेब को जो है 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है यूज कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं या डस्टिंग कर सकते हैं सल्फर की 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। ये भी जो है आपका तीनों प्रकार की जो रस्ट हैं, वो चाहे आपका जो ब्राउन हो या फिर आपका येलो हो या फिर ब्लैक हो, तीनों प्रकार के रस्ट के लिए जो है सल्फर को 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप डस्ट कर देते हैं तो ये भी जो है आपका बहुत ही कारगर होता है। अब नेक्स्ट अगला डिजीज़ है वीट का, वो है करनाल बंट। करनाल बंट या इसे पार्शियल बंट के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है न्यूओसिया इंडिका, न्यूओसिया इंडिका है, न्यूओसिया इंडिका जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है न्यूओसिया इंडिका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करनाल बंट का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसको पहली बार जो है पंजाब में मित्रा द्वारा जो है 1931 में रिपोर्ट किया गया था गेहूं में ही। और ये जो है आपका, इसको हम कैंसर ऑफ वीट के नाम से जानते हैं। इसको आप याद रखिएगा, कैंसर ऑफ वीट के नाम से किस रोग को जानते हैं तो करनाल बंट जो है कैंसर ऑफ वीट के नाम से जाना जाता है। किलर डिजीज़ क्या है, किलर डिजीज़ आपका ब्लैक रस्ट है। कैंसर क्या है, कैंसर ऑफ वीट क्या है, तो कैंसर ऑफ वीट आपका करनाल बंट है। न्यू इमर्जिंग डिजीज़ ऑफ इंटरनेशनल लेवल, ये जो आपका करनाल बंट है बहुत ज़्यादा पुराना रोग नहीं है, ये जो है आपके अभी नया नया रोग है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बहुत तेज़ी से अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहा है। मैनी कंट्रीज़ हैव इम्पोज रिस्ट्रिक्शन टू इम्पोर्ट वीट फ्रॉम डिजीज एरिया, और बहुत सारे देशों ने बैन कर दिया है जो प्रभावित क्षेत्र हैं, जो रोगग्रस्त क्षेत्र हैं, वहाँ से गेहूँ का इम्पोर्ट करना ही, गेहूँ का आयात करना ही बंद कर दिया है। तो करनाल बंट बहुत ही ज़्यादा घातक रोग होता चला जा रहा है, नया रोग है लेकिन बहुत ही तेज़ी से इस्टेब्लिश हो रहा है। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है न्यूओसिया इंडिका है, इसे हम पार्शियल बंट के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले मित्रा ने 1931 में जो है इसको रिपोर्ट किया था पंजाब में, भारत की बात कर रहे हैं, और बहुत सारे देशों ने इसको बैन किया हुआ है ऐसे क्षेत्रों से जहाँ पर जो है ये रोग देखने को मिला है। तो सिम्टम्स की बात करें तो इन्फेक्शन जो है देखने को मिलता है फ्लावरिंग स्टेज में, और ये जो है आपका एयरबोर्न स्पोरिडिया के द्वारा जो है फैलता है। फ्यू ग्रेन्स आर पार्शियली कवर्ड इनटू ब्लैक सूटी पाउडर, बहुत सारे जो ग्रेन होते हैं, कुछ ग्रेन जो होते हैं वो जो है थोड़ी बहुत मात्रा में जो है ब्लैक सूटी पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, हो जाते हैं। और रोटन ब्लैक पाउडर गिव्स ए फाउल स्मेल, जो पाउडर बन जाता है ब्लैक सूटी पाउडर, ये ब्लैक सूटी पाउडर से जो है एक ख़राब सी स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है, क्या कह सकते हैं कि फिश रॉटन स्मेल आती है, जैसे सड़ी हुई मछली उसकी जैसी गंध आती है। इसका कारण ये है कि इसमें ट्राईमेथिल एमाइन पाया जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है कि इसकी उपस्थिति कारण ये जो है, ये जो आपका जो करनाल बंट है, करनाल बंट में एक जो है सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है, तो इसका कारण क्या है, तो ट्राईमेथिल एमीन है। ट्राईमेथिल एमीन के कारण जो है इसमें इस टाइप से जो है स्मेल देखने को मिलती है। डिजीज इज सीड सॉयल एंड एयरबोर्न, डिजीज जो है आपका सीड एयर और सॉयल बॉर्न जो है रोग है। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में जो है आपका हम यूज करेंगे रेजिस्टेंट वैराइटीज़ की, केवल रेजिस्टेंट वैराइटीज़ को यूज करना ही जो है इसका केवल ओनली वन ऑप्शन है, या फिर आप अवॉइड कर सकते हैं एक्सेसिव इरीगेशन, बहुत ज़्यादा जो है सिंचाई करना, इससे भी आप बच सकते हैं। खासकर जो है जब फ्लावरिंग स्टेज हो उस समय जो है आप बहुत ज़्यादा सिंचाई ना करें तो करनाल बंट से आप बच सकते हैं। या सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट करेंगे एग्रोसॉन जीएन से जो है आपका, या सेरेसॉन से कर सकते हैं, 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो है सीड को आप ट्रीट कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगली जो डिजीज़ है वो है लूज स्मट। लूज स्मट आपका इसे एस्टिलेगो न्यूडाट्रिटिसी जो है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, इसका जो रोगजनक है एस्टिलेगो न्यूडाट्रिटिसी, ये सीड बॉर्न डिजीज़ है। लूज स्मट जो है आपका कौन सी डिजीज़ है, तो सी ये सीड बॉर्न डिजीज़ है। सिम्टम्स की बात करें तो साथियों, तो सिम्टम्स में जो है आपका इन्फेक्टेड प्लांट्स प्रोड्यूस अर्ली इमरजेंस ऑफ हेड देन हेल्दी, ये जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं ये जो है बहुत ही जल्दी जो है आपका अर्ली इमरजेंस शो करते हैं बालियों में, इंटायर ईयर
इंटायर ईयर एक्सेप्ट द रैचिस एंड एवन आर स्मेटेड, जो पूरा का पूरी जो बाली होती है रैचिस को छोड़ करके और सूख को छोड़ करके, रैचिस और सूख को एवन को छोड़ करके पूरी की पूरी जो बाली जो होती है वो स्मेटेड हो जाती है, और फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक पाउडर इन पीस इन प्लेस ऑफ ग्रेन इन द ईयर, और फिर लास्टली क्या होता है कि जो ग्रेन होता है वो एक पाउडर फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाता है, या कह सकते हैं जो ईयर होती है वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये था आपका लूज स्मट जो है, इसका जो काजल अरेंजमेंट था जो है ऑस्टियोगोनिडियस ट्रेटिसी सीड बॉर्न डिजीज़ है। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे लूज स्मट का, तो साथियों सीड ट्रीटमेंट कर देंगे। सीड ट्रीटमेंट विटावैक्स जिससे कहते हैं 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से सीड को हम ट्रीट करते हैं विटावैक्स जो है फंगीसाइड से, या हॉट वाटर ट्रीटमेंट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं 54 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए जो है आप जो है सीड को जो है उसमें जो है डिसॉल्व कर सकते हैं, या फिर सोलर हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सोलर हीट ट्रीटमेंट में जो है इसको लूथरा और सटन ने बताया था सोलर हीट ट्रीटमेंट, तो इसमें हम जो है आपका सनलाइट के द्वारा भी जो है इस डिजीज़ का जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या जो है सीड को हम ट्रीट कर सकते हैं इस रोग से बचाव के लिए। अगली जो डिजीज़ है वो है साथियों पाउडर मिल्ड्यू, जिसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है एरिसिफी ग्रैमिनस टिट्सी है, एरिसिफी ग्रैमिनस टिट्सी। पाउडर मिल्ड्यू का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, एरिसिफी ग्रैमिनस टिट्सी, इसे अब जो है ब्लूमेरिया टिट्सी के नाम से भी जाना जाता है। ये वाइट पाउडरी ग्रोथ करती है फंगस के ऊपर, और खासकर अपर सरफेस पर जो है पत्तियों की जो ऊपरी सतह होती है उस पर देखने को मिलती है वाइट पाउडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, सफ़ेद यानी टेलिकम पाउडर के जैसा जो है ये अपीयरेंस देखने को मिलता है पत्ती की ऊपरी सतह पर। और इट कैन बी कंट्रोल बाय सल्फर डस्टिंग, सल्फर डस्टिंग से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और इसकी जो मात्रा रखेंगे 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप सल्फर को डस्ट करें यानी पाउडरी फॉर्म में जो है उसको जो आप कह सकते हैं कि स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रे करने मतलब हैंडली मैनुअली जो है करेंगे, तो सल्फर डस्टिंग जो है आप 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है डस्टिंग कर सकते हैं। अगली जो डिजीज़ है वो ईयर कॉकल डिजीज़ है। ईयर कॉकल डिजीज़ क्या है, तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है ईयर कॉकल का वो है एंगोनाइट्रिट्सी जो है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। तो ईयर कॉकल ऑफ वीट ये जो आपका एंगोनाइट्रिट्सी के द्वारा जो होता है, और इसको जो है मैनेज किया जा सकता है सीड फ्लोटेशन के द्वारा 20% जो है आपका साल्ट सॉल्यूशन से जो है आप जो है इसको जो है उसमें ट्रीट कर सकते हैं बुवाई से पहले ईयर कॉकल ऑफ वीट। अगला जो क्रॉप है, जो नेक्स्ट क्रॉप है साथियों, वो है आपका ग्राम या चना। तो ग्राम में बहुत ज़्यादा डिजीज नहीं है, लेकिन ग्राम की जो मुख्य जो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है वो है आपका जो है विल्ट या फ्यूजेरियम विल्ट का जो कॉजल ऑर्गेनिज है वो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। और ये जो है साथियों ये सॉयल बॉन्ड डिजीज़ है। ये कौन सी डिजीज़ है, तो ये है आपका सॉयल बॉन्ड डिजीज़ है। मोस्ट सीरियस है आपका सेंट्रल इंडिया में, जो आपका भारत का मध्य क्षेत्र है वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है गंभीर बीमारी के रूप में ये देखने को मिलती है फ्यूजेरियम विल्ट। और सिम्टम्स की बात करें तो ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स, इसकी पत्तियाँ जो होती हैं ड्रॉप हो जाती हैं, नीचे की तरफ मुरझा जाती हैं, झुक जाती हैं। ब्राउनिंग ऑफ जाइलम मसल्स, जो जाइलम मसल्स होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। अब बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो अवॉइड अर्ली सोइंग जो है, पहले बुवाई से इसे बचना चाहिए, ठीक है, अर्ली सोइंग से हमें बचना चाहिए। अब देखिए अर्ली सोइंग से जब हम अर्ली सोइंग करते हैं तो हमको ये जो है आपका हेल्कोवर्बा आर्मी गेना, जिसे हम कटवर्म कहते हैं, या जो है ग्राम का कटवा इंसेक्ट पेस्ट कहते हैं, तो इससे तो हमें बचाव होता है, लेकिन ये जो है आपका जो है ये सेवियर इन्फेस्टेशन कर देता है फ्यूजेरियम बिल्ट से। पहले अगर हम बुवाई करते हैं तो पहले बुवाई करने से हमें फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। फ़ायदा तो हमें होता है आपका हेल्कोवर्पा आर्मी जेरा जो है आपका ये जो इंसेक्ट है इससे तो हमें बचाव होता है, लेकिन साथियों ये जो है आपका फ्यूजेरियम विल्ट को जो है ये कह सकते हैं कि ये फ्यूजेरियम विल्ट को जो है प्रमोट कर देता है। ग्रो रेजिस्टेंट वराइटीज़ को बोइए, जैसे कि अवरोधी है आपका, सीड ट्रीटमेंट करिए। सीड ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं बायोवेस्टिन जो फंगीसाइड है, इसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो है आप सीड को ट्रीट कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आप क्या कर सकते हैं, तो सीड ट्रीटमेंट के रूप में हम बावस्टिन का प्रयोग कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम सीड को ट्रीट करते हैं, और साथ साथ हम क्रॉप रोटेशन को अपना सकते हैं या डीप सोइंग कर सकते हैं। तो ये साथियों कुछ मैनेजमेंट वाली चीज़ें हैं जिससे हम जो है बच सकते हैं फ्यूजेरियम विल्ट से। और हम बात करते हैं अब अगली जो डिजीज़ है आपका, वो है आपका स्कोचाइटा ब्लाइट क्या है। तो साथियों ये भी एक प्रकार की जो है फंगल डिजीज़ है, एक मिनट जरा, स्कोसाइटा ब्लाइट जो है आपका ये भी एक प्रकार का फंगल डिजीज़ है, एक प्रकार का जो है कवक के द्वारा होने वाला रोग है। ये जो आपका सीड और सॉयल बॉर्न डिजीज़ है, और मोस्ट पोटेंशियल डिजीज़ ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्लेन, जो आपका उत्तरी और पश्चिमी जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है देखने को मिलती है। ऑल प्लांट्स पार्ट एक्सेप्ट रूट आर इफेक्टेड, और इस ब्लाइट द्वारा जो स्कोसाइटा ब्लाइट है,
इसके द्वारा जो है पौधे के सभी भाग प्रभावित होते हैं, जड़ों को छोड़ करके, जड़ों को छोड़ करके पौधे के सारे जो भाग, सारे के सारे पार्ट जो होते हैं वो इसके द्वारा प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट अगले हम क्रॉप को डिस्कस करेंगे और वो है आपकी मस्टर्ड क्रॉप। तो अगली फील्ड क्रॉप है हमारी मस्टर्ड। तो आइए जानते हैं मस्टर्ड क्रॉप्स में कौन कौन सी मेजर जो डिजीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाइट रस्ट की या ब्लिस्टर, वाइट ब्लिस्टर भी इसे कहते हैं। तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है आपका एल्बिगो कैंडिडा। एल्बिगो कैंडिडा इसका वाइट रस्ट या वाइट ब्लिस्टर का कॉजल ऑर्गेनिज्म है। ये भी एक प्रकार का फंगल डिजीज़ है। द फंगस बिलोंग टू ऑर्डर पेरनोस्पोरेल्स। इसमें जो फंगस जो है जिस ऑर्डर से बिलोंग करता है साथ ही वो है पेरनोस्पोरेल। पेरनोस्पोरेल्स जो ऑर्डर का जो है ये फंगस होता है, वाइट रस्ट या वाइट ब्लिस्टर एल्बिगो कैंडिडा। एल्बिगो कैंडिडा जो है आपका पेरनोस्पोरेल्स जो है ऑर्डर का फंगस होता है और ये केवल जो है आपका लिविंग प्लांट्स पर ही जो है रह सकता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट है ये। सिम्टम्स की बात करें साथियों तो सिम्टम्स में जो है आपका वाइट आर येलो जो है पॉस्टुलस देखने को मिलेंगे। वाइट ये ओ आर है, ए आर नहीं है, वाइट आर येलो पॉस्टुलस देखने को मिलेंगे। फंगस जो होता है, फंगस तो पहले येलो होता है बाद में वाइट हो जाता है। तो फंगस के जो पॉस्टुलस होते हैं, पॉस्टुलस हमने कितनी बार बताए थे पॉस्टुलस क्या है, तो पॉस्टुलस जो है साथियों ये आपका कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ फंगस होता है। आप इंडिविजुअली फंगस को नहीं देख सकते हैं, फंगस जब ग्रुप में होता है, जब समूह में होता है तभी वो आपको पॉस्टुलस फॉर्म में दिखाई देता है। तो इसके जो पॉस्टुलस होते हैं वो वाइट कलर के या फिर येलो कलर के होते हैं विद वेरिएबल साइज एंड शेप्स। ये अलग अलग साइज़ों के या अलग अलग शेप्स के होते हैं और लोअर सरफेस ऑफ लीफ पत्ती की जो है निचली सतह पर जो है ये पत्ती की जो निचली सतह होती है लोअर सरफेस होती है उस पर ये दिखाई देते हैं और ये जो है इन्फेक्शन करते हैं पूरे के पूरे पार्ट्स पर जो है जड़ों को छोड़ करके। जो वाइट रस्ट या वाइट ब्लिस्टर होता है ये जड़ों को छोड़ करके पूरे के पूरे जो है प्लांट्स को इन्फेक्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, अर्थात किस तरीके से इससे हम निजात पाएंगे, इसका प्रबंधन कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट में आप ब्लाइटॉक्स जो है ये फंगीसाइड को स्प्रे कर सकते हैं 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और ये 15 दिन के अंतराल पर आप इसे फिर से एक बार जो है इसको कह सकते हैं कि रिपीट कर सकते हैं या आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट करने के लिए आपको जो है फंगीसाइड की आवश्यकता है एप्रॉन, ये आपका 6 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो है सीड को आप ट्रीट कर सकते हैं या 2 से 3 स्प्रे कर सकते हैं मैंको जेब की और इसकी जो मात्रा है वो 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसको जो है स्प्रे कर सकते हैं 20 दिन के अंतराल पर। तो 15 दिन के अंतराल पर आप ब्लाइटॉक्स को 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से, 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से मैंकोजेब को जो 20 दिन के अंतराल पर से स्प्रे कर सकते हैं या आप सीडमेंट कर सकते हैं एप्रॉन से। एप्रॉन इसकी जो मात्रा रखी जाएगी 1 किलोग्राम सीड को आप 6 ग्राम जो है आपको फंगस फंगीसाइड की आवश्यकता पड़ेगी। अगला जो रोग है साथियों वो है आपका अल्टरनेरिया ब्लाइट। अल्टरनेरिया ब्लाइट ये जो है आपका इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है अल्टरनेरिया ब्रैसिकी। अल्टरनेरिया ब्रैसिकी अल्टरनेरिया ब्लाइट का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है अल्टरनेरिया ब्रैसिकी। अल्टरनेरिया ब्रैसिकी सिम्टम्स की बात करें तो कॉन्सनट्रेटेड ब्लैक स्पॉट ऑन लीव्स स्टेम एंड पॉट्स। इसमें जो है आपको जो है ब्लैक स्पॉट पत्तियों पर जो है और स्टेम पर या पॉट्स पर देखने को मिलेंगे। मैनेजमेंट की बात करें किस तरीके से आप इसको अल्टरनेरिया ब्लाइट को मैनेज करेंगे तो मैनेजमेंट में आप स्प्रे कर सकते हैं मैंकोजेब को। मैंकोजेब की जो मात्रा जो है आप कई बार इसको देख चुके हैं मैंकोजेब की जो मात्रा रखते हैं वो 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से और 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ना रख करके यहाँ पर जो है स्प्रे करने के लिए इसने बताया हुआ है वाटर की मात्रा तो 1000 लीटर 1000 लीटर में 2 किलोग्राम आप मैंकोजेब को डिजॉल्व करके स्प्रे कर दीजिए और ये जो 15 दिन के अंतराल पर इसे आप फिर से रिपीट कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 40 to 45 days आफ्टर सोइंग। और ये जो आप स्प्रे करना स्टार्ट कर करते हैं ये 40 से 45 दिन के बाद ही करिए। 40 से 45 दिन की जब आप क्रॉप हो जाती है तब उस पर जो है आप जो है 15 दिन के अंतराल पर जो है मैंकोजेब 2 किलोग्राम प्रति 1000 लीटर पानी के साथ स्प्रे करके जो है आप इसको जो है 15 दिन के अंतराल पर फिर से इसको आप रिपीट कर सकते हैं। आपको लगे कि अगर डिजीज़ कंट्रोल नहीं हुई तब। नेक्स्ट अगला है आपका डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है आपका पर्नोस्पोरा ब्रैसिकी। पर्नोस्पोरा ब्रैसिकी अल्टरनेरिया ब्रैसिकी था और ये है आपका पर्नोस्पोरा ब्रैसिकी। साथियों नेक्स्ट अब अगली क्रॉप है हमारी जो है शुगर केन। शुगर केन से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज हैं तो पहला है इसका रेड रॉट। रेड रॉट बहुत ही ज़्यादा लीदर डिजीज है, बहुत ही घातक बीमारी है। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम ये जो फंगस है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज इन बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो क्षेत्र हैं उष्ण और उपोष्ण जो कटिबंधीय क्षेत्र हैं भारत के वहाँ दोनों के दोनों क्षेत्रों में जो है दोनों जो जोन है उसमें जो है ये कोलेटोट्राइकम फाल्केटम या रेड रॉट जो है डिजीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा घातक डिजीज़ है। सिम्टम्स की बात करें तो इन्फेस्टेशन स्टार्ट फ्रॉम जुलाई। इसका जो संक्रमण जो होता है कह सकते हैं इसकी शुरुआत होती है जुलाई मंथ से और टिपिकल सिम्टम्स ऑफ रेड रॉट आर सीन इनसाइड द स्टॉल
ये जो रेड रॉट है, आप जब उसकी स्टाक को कह सकते हैं या तने को जो आप जो उसको ब्रेक करेंगे तोड़ेंगे तो उसको आप अंदर देख पाएंगे, क्योंकि इनसाइड सिम्टम्स दिखाई देगा, ये रेडनेस दिखाई देगी वहाँ पर जो है, आप लाल रंग से जो है आप स्पॉट देख सकते हैं। इन्फेस्टेड स्टाक गिव्स एल्कोहलिक स्मेल फ्रॉम फील्ड। जब इस रोग का जो है संक्रमण होता है, ये रोग जो फैलता है फील्ड में, तब एल्कोहलिक स्मेल यानी एल्कोहल की जैसी जो है आपको जो है स्मेल आपको खेत से जो है आती हुई आपको लगेगा। अर्थात जब ये इस रोग का जो प्रकोप होगा तो फील्ड से जो है आपको एल्कोहल जैसी स्मेल आती हुई दिखाई देगी, आती हुई जो है आपको महसूस होगी। मैनेजमेंट की बात करें तो अगर आप रेड रॉट से जो है आपकी क्रॉप जो है ग्रसित है तो आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो इसके लिए आप जो सेट है यानी जिसको आप सोइंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपका जो प्रोपेगेटेड जो इस जिसको आप प्रोपेगेशन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, जो सेट है सेट को जो है आप 0.25% सोल्यूशन में मर्क्यूरियल कंपाउंड के साथ में जो है, जिसे एगालोल या एरेटेन कहते हैं, इसे 5 मिनट के लिए उसमें आप उसको डिप कर दीजिए, कह सकते हैं कि डिसॉल्व कर दीजिए, उसमें घोल दीजिए उसको, ठीक है। बुआई से पहले जो सेट है जिसको आप बोने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको 0.25% यानी कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बना लीजिए, मर्क्यूरियल कंपाउंड है तो, और एगालोल या एरेटोन ये नाम से इस आता है, तो इसमें जो है आप जो है इसको आप डीप कर दीजिए, इसके साथ आप ट्रीट कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगली जो डिजीज़ है वो ग्रेसी सूट ऑफ शुगर केन है, ये एक फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होती है, एमएलओ के द्वारा होती है, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म जो फाइटोप्लाज्मा होते हैं उनसे फैलने वाला ग्रेसी सूट ऑफ शुगर केन है। तो बस यही पूछ लेता है कि ग्रेसी सूट ऑफ शुगर केन रोग जो है किसके द्वारा फैलती है, तो फाइटोप्लाज्मा आप याद रखिएगा, एमएलओ जो है। सिम्टम्स की बात करें तो ये जो ग्रेसी सूट होता है, ऐसी इस रोग से ग्रसित होने पर जो शुगर केन है वो एक्सेसिव टिलरिंग, बहुत ज़्यादा टिलर्स निकलने लगते हैं, स्प्राउटिंग ऑफ लेटरल बड्स जो है या कह सकते हैं वो स्प्राउट होने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा टिलर्स निकलेंगे और जो है लेटरल बड्स जो है ये स्प्राउट होंगे, बहुत ज़्यादा ये फूटने लगते हैं। अगला जो डिजीज है वो है स्मट का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है आपका अस्टिलेवोसिटोमेनिया। ये स्मट जो डिजीज़ है शुगर केन की जो पाई जाती है, जिसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है अस्टिलेवोसिटोमेनिया है, इसे हम कहते हैं कल्मीकुलस स्मट ऑफ शुगर केन के नाम से जानते हैं। तो स्मट को जो शुगर केन का स्मट है इसे हम कल्मीकुलस स्मट के नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं कल्मीकुलस स्मट के नाम से भी जाना जाता है। और साथियों ये स्टाक को जो उसका जो स्टेम होता है उसको जो है इफेक्ट करता है, उसको जो है प्रभावित करता है। सीवियर जो इसकी सिचुएशन होती है, जिसकी घातक जो अवस्था होती है वो अप्रैल से जुलाई में देखी जाती है। अप्रैल से जुलाई के बीच में स्मट का जो है प्रकोप जो है शुगर केन की क्रॉप में देखने को मिलता है, और इससे क्या होता है कि ये 10% जो है आपका जूस जो उसके अंदर रस होता है उसको लॉस कर देता है, उसकी हानि हो जाती है इससे, इस स्मट डिजीज़ से जो है जो शुगर केन का जूस होता है, शुगर केन जूस जो इसका जो रस होता है इसकी जो है लगभग 10% हानि हो जाती है, उस 10% से नुकसान हो जाता है। अगली जो डिजीज़ है शुगर केन वो है आपका गमोसिस। जो डिजीज़ है वो है गमोसिस का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है साथियों वो है जेंथोमोनास एक्जोनोपोडिस। इसका जो है गमोसिस का जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म जो शुगर केन गमोसिस का कॉजल ऑर्गेनिज्म है जेंथोमोनास एक्जोनोपोडिस। अब अगली क्रॉप है जो है वो है आपका पोटैटो से रिलेटेड कौन कौन से डिजीज़ हैं, तो पहले है लेड ब्लाइट, बहुत ही ज़्यादा जो है लीथल डिजीज़ है वर्ल्ड वाइड। लेड ब्लाइट जो है इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस जो है आपका बहुत ही ज़्यादा जो है घातक बीमारी है। ये जो है आपका पोटैटो के साथ साथ टोमेटो में भी देखने को मिलती है। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो, आलू के साथ साथ ये टमाटर की फसल में भी जो है आपका लेड ब्लाइट जो है डिजीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा घातक डिजीज़ की तरह जो है इसका जो है कह सकते हैं इन्फेक्शन होता है या इसका प्रभाव होता है। सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स ऑफ लेट इन सीजन, जो ये लेड ब्लाइट नाम ही इसका है कि ये जो है आपका जो क्रॉप्स की जो लेट स्टेज होती है अंतिम अवस्था में जो है ये लेट इन सीजन जो है आपका उस समय जो है ये जो है अटैक करती है ये जो फंगस है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, और खासकर फ्लावरिंग स्टेज में जो है इसका जो है प्रकोप होता है। ब्राइट ब्राउन स्पॉट्स देखने को मिलते हैं पत्तियों पर और इररेगुलर पैचेस देखने को मिलते हैं। ये जो है आपका लीफ के जो है आपका टिप वाले पार्ट से स्टार्ट होते हैं और सीधे सीधे जो है पूरी पत्ती पर फैल जाते हैं। ब्राउनिश ब्लैक पैचेस भी देखने को मिलते हैं। ये शुरू में जो होते हैं ये ब्राइट ब्राउन स्पॉट होते हैं, बाद में जो है आपका ब्राउनिश ब्लैक पैचेस के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले ब्राउन होते हैं फिर उसके बाद ब्राउनिश ब्लैक हो जाते हैं।
मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये लेट ब्लाइट फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस जिससे पोटैटो टोमेटो की बीमारी क्रॉप्स जो है प्रभावित होती है, तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे। तो मैनेजमेंट के लिए जो है आपको फोलियर स्प्रे करना पड़ेगा। फोलियर एप्लीकेशन आप कापर ऑक्सी क्लोराइड को आप 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। फोलियर एप्लीकेशन ही होगा, इसको स्प्रे करेंगे ऑक्सी क्लोराइड को 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, इसका सोल्यूशन बना लीजिए और जो है इसको आप स्प्रे कर दीजिए पूरी क्रॉप्स में। और भी कर सकते हैं आप, स्प्रे कर सकते हैं मेटालैक्सिल का या मैंकोजेब का। मेटालैक्सिल या मैंकोजेब को आप 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 2 से 3 बार आप स्प्रे कर दीजिए 15 दिन के अंतराल पर। स्प्रे करिएगा मेटालॉक्सिल का, मेटालैक्सिल या मैंकोजेब का 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसकी बात आपको याद ही हो गई होगी क्योंकि बार बार इसको रिपीट किया जा रहा है। जितने फंगीसाइड्स जो फंगस जो डिजीज है, फंगल डिजीज़ है, उसमें कॉमनली जो है मैंकोजेब को इस्तेमाल कर ही दिया जाता है। तो 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 2 से 3 आप स्प्रे कर सकते हैं 15 दिन के अंतराल पर। अगली जो डिजीज़ है वो आपका अर्ली ब्लाइट है, तो वो लेट ब्लाइट थी, ये अर्ली ब्लाइट है। अर्ली ब्लाइट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लेट ब्लाइट से पहले जो है इसका अटैक होता है। अल्टरनेरिया इसका सोलेनी जो है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। कंसेंट्रिक रिंग या टारगेट बोल्ड अपीयरेंस देखने को मिलता है पत्ती पर, खासकर पत्ती की जो लेमिना होती है उस पर इसको देख सकते हैं आप। स्पॉट्स आर इररेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो स्पॉट होते हैं वो इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। आप इसका कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो मैंकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं आप। मैंकोजेब की मात्रा ऊपर बताई गई है 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसको स्प्रे कर सकते हैं मैंकोजेब की मात्रा। अगली जो डिजीज़ है वो है साथियों ब्लैक स्कर्फ डिजीज़। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है राइजोक्टोनिया सोलेनी और अर्ली ब्लाइट का अल्टरनेरिया सोलेनी, इसका जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म है ब्लैक स्कर्फ का राइजोक्टोनिया सोलेनी। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। राइजोक्टोनिया सोलेनी जो है ब्लैक स्कर्फ का है और अर्ली ब्लाइट आप पोटैटो का है आपका जो है अल्टरनेरिया सोलेनी। अगली है आपका पोटैटो वाल्ट जो है आपका सिनक्रेडियम इंडोबायोटिकम जो है ब्लैक हॉल्ट जो है आपका ये होता है आपका ऑक्सीजन की कमी के कारण और साथ साथ हाई टेम्परेचर। ब्लैक हॉल्ट और पोटैटो जो होता है ये ऑक्सीजन की डिफिशियंसी या कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर के कारण होता है। अगली डिजीज़ है पोटैटो की, वो है स्कैब। स्कैब का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबीज। स्कैब का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबीज इसका जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म है। अब हम बात करते हैं कॉटन यानी कपास की, तो कॉटन से संबंधित कौन कौन सी डिजीज़ हैं। तो साथियों कॉटन से संबंधित पहली डिजीज़ है आपका बैक्टीरियल ब्लाइट या इसे एंगुलर लीफ स्पॉट कहते हैं, ब्लैक आर्म के नाम से जानते हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट जो डिजीज़ है इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस माल्वे सीरम जो है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। मोस्ट सीरियस डिजीज़ है कॉटन की इंडिया में, ये बैक्टीरियल ब्लाइट या एंगुलर लीफ स्पॉट या ब्लैक आर्म जो है, ये जो डिजीज़ है आपकी बहुत ही ज़्यादा सीरियस डिजीज़ है आपका कॉटन की। और एंगुलर एंड वाटर डेवलपमेंट पेरीफेरल क्रैक्स कॉल्ड ब्लैक आर्म, एंगुलर और वाटर डेवलप्स पेरीफेरल क्रैक्स, इसमें जो है पेरीफेरल क्रैक्स देखने को मिलते हैं और इसे हम ब्लैक आर्म के नाम से भी जानते हैं। जो कॉटन की जो बैक्टीरियल ब्लाइट है या एंगुलर लीफ स्पॉट है या ब्लैक आर्म, और सारे नाम याद रखिएगा, बैक्टीरियल ब्लाइट है इसको बैक्टीरियल ब्लाइट भी कहते हैं, इसे एंगुलर लीफ स्पॉट भी कहते हैं या इसे ब्लैक आर्म के नाम से भी जानते हैं। मैनेजमेंट की बात करेंगे, जो बैक्टीरियल ब्लाइट या एंगुलर लीफ स्पॉट या ब्लैक आर्म है इसके मैनेजमेंट की बात करें, तो मैनेजमेंट इसका कैसे कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट के लिए आपको चाहिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्लस कॉपर ऑक्सी क्लोराइड को आप 50 प्लस 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है दोनों को मिक्सअप करके, दोनों को मिला करके जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं एग्रीमाइसिन से आपको सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं आप इससे बचाव के लिए। अगली डिजीज़ की तरफ चलते हैं। तो साथियों अगली जो डिजीज़ है आपका वो है टीरक या बर्ड ओपनिंग ऑफ वॉल्स, ये जो है कॉटन की जो है आपका ये भी आपका जो है डिजीज़ होती है, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वास्तविक तरीके से देखा जाए तो। ये जो बेड ओपनिंग ऑफ वॉल्स होता है, बेड ओपनिंग वॉल्स, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है आपका फ्यूजेरियम विल्ट जो है आपका, ये फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्म के द्वारा जो होता है। और एक और डिजीज़ है स्टेनोसिस या स्मॉल लीफ ऑफ कॉटन किसके द्वारा होता है, तो वायरल के द्वारा होता है, याद रखिएगा। स्मॉल लीफ ऑफ कॉटन जो है आपका वायरस के द्वारा होता है, यहाँ पर लिखना ज़्यादा सही था। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, कॉटन में बैक्टीरियल ब्लाइट या एंगुलर लीफ स्पॉट या ब्लैक आर्म डिजीज़ होती है, और इसका जो कॉजल है जैंथोमोनास कैम्पेस्टिस माल्वे सीरम,
और इसे हम तीन नामों से जानते हैं। मैनेजमेंट के लिए हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को हम 50 प्लस 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिक्सअप करके आप इसको जो है यूज कर सकते हैं, या आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं एग्रीमाइसिन से जो है। दूसरी जो डिजीज थी कॉटन की, वो है आपका बैड ओपनिंग ऑफ बॉल्स, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है फ्यूजेरियम विल्ट। अगली डिजीज है फ्यूजेरियम मोनलीफोरियम के द्वारा जो होता है, और स्टेनोसिस या स्मॉल लीफ ऑफ कॉटन, ये भी आपका एक प्रकार का डिजीज़ है और ये वायरस के द्वारा होता है। अगली जो क्रॉप है हमारी वही साथियों साइट्रस जो आपकी जो क्रॉप है, इस क्रॉप में जो डिजीज लगती है वो है इम्पॉर्टेंट डिजीज है आपका साइट्रस कैंकर, जैंथोमोनास कैम्पेस्टिस वारसिट्री। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जैंथोमोनास कैम्पेस्टिस है वारसिट्री। ये ब्लैक ब्राउन कॉर्की आउटग्रोथ देखने को मिलती है पत्तियों पर और फ्रूट्स पर, खासकर जो है पत्तियों पर, या फिर आप टहनियों पर भी देख सकते हैं या फ्रूट्स पर देख सकते हैं। स्मॉल ब्राउन कॉर्की आउटग्रोथ देखने को मिलती है लीव्स पर, ट्विग्स पर या फ्रूट्स पर। दूसरी जो डिजीज़ है इसकी डाइबैक है या विदर टिप, इसे कहते हैं डाइबैक या विदर टिप। तो डाइबैक या विदर टिप क्या है, तो साथियों इसमें जो होता है जो स्टेम होता है, स्टेम का जो है एपेक्स पार्ट जो होता है वो उसकी डेथ होने लगती है, अर्थात तो वो जो है मुरझाने लगता है। कोलेटोट्राइकम गोइसोस्पोरेडाइस के द्वारा होता है, कोलेटोट्राइकम और गोइसोस्पोरेडाइस के द्वारा होता है डाइबैक या विदर टिप कोलेटोट्राइकम याद रखिएगा। और दूसरा आपका जो दूसरी जो स्पीसीज जो है इसका है वो है आपका गोइसोस्पोरेडाइस। अगली जो डिजीज़ है वो है गमोसिस फाइटोप्थोरा पाल्मी वोरा जो है, इससे गमोसिस डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है, रैप्चर्ड लेंथ वाइज बार्क एक्जुडेड गम्स, इसमें जो है लेंथ वाइज जो है आपका जो है रैप्चर हो जाता है बार्क, इसकी जो छाल होती है वो फट जाती है लेंथ वाइज, और उससे गम कह सकते हैं उससे गोंद जैसी जो है आप सबस्टांस निकलने लगता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं गमोसिस। नेक्स्ट अगला है आपका ग्रीनिंग डिजीज़ क्या है, तो साथियों ग्रीनिंग डिजीज़ के बारे में जानते हैं। ग्रीनिंग डिजीज़ का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो कैंडिडेटस लेब्रोबैक्टर इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। और फिर अगली जो डिजीज़ है वो आपका ट्रिस्टेजा जो है एक प्रकार की वायरस डिजीज़ है। नेक्स्ट अगली ग्राफ की तरफ चलते हैं, तो अगली ग्राफ है हमारी मैंगो का जो इंपॉर्टेंट डिजीज़ है वो है आपका पाउडर मिल्ड्यू का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो आपका ओडियम मैंगी फेरी ये पाउडर मिल्ड्यू का जो है आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, और इसकी जो सीवियर डिप्रेशन देखने को मिलती है साथियों वो है। तो हम बात कर रहे थे पाउडर मिल्ड्यू का जो काजल ऑर्गेनिज्म है ओडियम मैंगी फेरी और इसकी जो सीवियर ड्यूरेशन है, जो इसकी जो कह सकते हैं घातक जो अवधि होती है, जिस समय बहुत ज़्यादा घातक होता है वो फरवरी से मार्च का जो महीना होता है, वहाँ पर जो है पाउडर मिल्ड्यू आप बहुत ही घातक स्टेज में पहुँच जाता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो स्प्रे कर सकते हैं कैराथेन का जो है आप 0.1% जो है जो कंसनट्रेशन को आप स्प्रे कर सकते हैं। अगली जो डिजीज़ है वो है आपका एंथ्रेक्नोज क्या है, एंथ्रेक्नोज का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है आपका कोलेटोट्राइकम गोइसोस्पोरेडस इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है एंथ्रेक्नोज का वो है आपका कोलेटोट्राइकम गोइसोस्पोरेडस ये जो है आपका सीवियर फॉर्म में देखने को मिलता है ह्यूमिड और हाई रेनफॉल एरियाज़ में ये सीवियर फॉर्म में देखने को मिलता है। कॉजल ऑर्गेनिज्म याद रखिएगा कोलेटोट्राइकम गोइसोस्पोरेडस। नेक्स्ट अगले जो है आपका जो डिजीज़ क्या है, ये आपका जो कह सकते हैं कि ये मल फॉर्मेशन जो है आपका ये फ्यूजेरियम मोनली फॉर्म है डिजीज़ ही है। मल फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है मैंगो की, और फ्यूजेरियम मोनली फॉर्मी के द्वारा होता है। फ्यूजेरियम मोनली फॉर्मी या वराइटीज आपका सब ग्लूटिनेना ये वेजिटेटिव और फ्लोरल मल फॉर्मेशन जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। ये मल फॉर्मेशन जो मैंगो का मल फॉर्मेशन है ये फ्यूजेरियम मोनली फॉर्मी ये सबली ग्लूटिनेना के द्वारा होता है, और ये इसमें क्या होता है, इसमें वेजिटेटिव और आपका फ्लोरल मल फॉर्मेशन देखने को मिलती है, या बंची टॉप जैसी सिचुएशन हो जाती है। सीरियस प्रॉब्लम जो है आपका नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती है, खासकर पंजाब दिल्ली और यूपी वाले जो क्षेत्र हैं। बॉम्बे ग्रीन और चौसा जो वराइटीज़ हैं ये जो है बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल जो है वराइटीज़ हैं मल फॉर्मेशन, इनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होता है।
मलफॉर्मेशन क्या है, मलफॉर्मेशन फ्यूजनियम मोनिलिफॉर्म सब सब ग्लूटिनना के द्वारा जो होने वाला एक डिजीज़ है। ये वेजिटेटिव और फ्लोरल मलफॉर्मेशन सिचुएशन देखने को मिलती है। इसमें बंजी टॉप अपीयरेंस हो जाता है। सीरियस प्रॉब्लम आपका नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती है, खासकर पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। बॉम्बे ग्रीन और चौंसा जो है बहुत ही ज़्यादा सजेप्टेबल जो है, बहुत ही ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि इस रोग को ग्रहण करने वाली डिजीज़ है, इनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होने वाला ये रोग है। मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मैनेजमेंट में आप प्रूनिंग कर सकते हैं या स्प्रे कर सकते हैं। मैंकोजेब का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं आप, या आप NA नेथिलीन एसिटिक एसिड यानी फ्लेनोफिक्स इसे कहते हैं, इसे आप 200 ppm की मात्रा से भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अब अगली जो डिजीज़ है इसमें फिजियोलॉजिकल डिजीज़ हैं, तो फिजियोलॉजिकल डिजीज़ में पहला आता है ब्लैक टिप। ब्लैक टिप क्या है? ब्लैक टिप ये डिफिशेंसी, बोरोन की डिफिशेंसी होने वाला जो है ये डिसऑर्डर है, और ये जो है खासकर जो है ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ पर जो है ईंट के भट्ठे पाए जाते हैं। तो ईंट के भट्ठों की जिससे ईंट के भट्ठों से निकलने वाला जो धुआं होता है उसमें जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या एसिटिलिन जैसी जो गैसें होती हैं वो इस ब्लैक टिप डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेस होती हैं। अब अगला है आपका स्पंजी टिश्यू। स्पंजी टिश्यू जो है ये होता है आपका जो है टेम्परेचर के कारण होता है, हाई टेम्परेचर के कारण होता है। तो ड्यू टू सॉयल हीट कन्वेक्शन जो मिट्टी की जो गर्मी होती है, जो उष्मा जो का जो उसमें निकलता है, या हाई टेम्परेचर के कारण जो स्पंजी टिश्यू जैसी सिचुएशन देखने मिलती है, ये डिसऑर्डर हो जाता है। और मेजर प्रॉब्लम आपको अल्फांसो जो है वैरायटी उसमें देखने को मिल सकता है। इट इज़ आल्सो नोन एज इंटरनल ब्रेक डाउन डिजीज भी कहते हैं इसे। ये जो स्पंजी टिश्यू है इसे इंटरनल ब्रेक डाउन के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला है आपका इंटरनल नेक्रोसिस। ये आपका बोरोन की डिफिशेंसी होता है, मैंगो में हो जाने वाला इंटरनल नेक्रोसिस जो आपका ये बोरोन की डिफिशेंसी होता है। आगे चलें तो अगला है आपका ग्रेप्स। ग्रेप्स में जो होने वाली डिजीज़ है आपका डाउनी मिल्ड्यू है। डाउनी मिल्ड्यू ये जो है आपका ग्रेप्स में होने वाली डिजीज़ है आपका डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू का जो कॉजल आर्गनिज है वो आपका प्लाज्मोफोरा विटिकोला। प्लाज्मोफोरा विटिकोला जो है डाउनी मिल्ड्यू, ग्रेप्स में होने वाले डाउनी मिल्ड्यू का कॉजल आर्गनिज क्या है? तो प्लाज्मोफोरा विटिकोला है इसका कॉजल आर्गनिज्म। अगली डिजीज़ है आपका इसमें पॉवर्टी मिल्ड्यू। पॉवर्टी मिल्ड्यू किसके कारण होता है? तो पॉवर्टी मिल्ड्यू इरिसिपिटी के कारण होता है। फिर उसके बाद कुछ है इसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में आपका, अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, हेन एंड चिकन डिजीज़। हेन एंड चिकन डिजीज आपका बोरोन की डिफिशेंसी के कारण होता है, और बेरी एंड ब्लॉसम ड्रॉप जो है ये आपका इम्प्रॉपर पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन के कारण होता है। बेरी एंड ब्लॉसम ड्रॉप तो ये कुछ यूनिक टाइप के नाम हैं। तो हेन एंड चिकन डिजीज़ क्या है? हेन एंड चिकन डिजीज़ जो है आपका बोरोन की डिफिशेंसी होने वाला एक डिसऑर्डर है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। बेरी एंड ब्लॉसम ड्रॉप क्या है? ये इम्प्रॉपर पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन से होता है। अगला है पिंक बेरी। पिंक बेरी क्या है? पिंक बेरी हाई टेम्परेचर के कारण होने वाला फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ग्रेप्स में पाया जाने वाला फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और कैलिक्स इनड्रॉट। कैलिक्स इनड्रॉट जो है आपका ये कैल्शियम की डिफिशियंसी होने वाला जो है एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो साथियों ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने कुछ फील्ड क्रॉप्स और कुछ जो है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसमें जो भी कुछ अगर कह सकते हैं कि डिफिकल्टीज हुई होंगी जो है वीडियो बनाने के दौरान, जो आपको जो है इन कम्फर्ट जोन में ले आ रही होंगी, तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि डिस्टर्बिंग टाइप का था, तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। जल्द ही आपको एक नए लेक्चर के साथ, एक नए कनेक्ट के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।